जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश लिखने या बोलने के लिए हमें ट्रांसलेशन आनी जरूरी है। तो उसके लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश क्लास में यूज ऑफ इज एम आर। इस कहाँ हम इज एम आर का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर वाक्य में है, हैं या हूँ लगा होता है। इसमें आई के साथ हम एम यूज करते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर अगर एक वचन हो तो उसके साथ हम इज यूज करते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल और अगर बहुवचन हो तो उसके साथ हम आर यूज करते हैं। देखिए, मैं के लिए आई लगता है, हम के लिए वी लगता है, तुम के लिए यू, तुम या आप के लिए यू लगता है, वह अगर वह सिंगुलर में हो तो ही और या शी का यूज किया जाता है और वे तो दे का यूज किया जाता है। नाउ सी द एग्जांपल, मैं डॉक्टर हूँ, मैं के लिए आई लगेगा, हूँ है तो आई के साथ हमने क्या लगाना है, एम, आई एम अ डॉक्टर। तुम बुद्धिमान हो, तुम के लिए क्या लगेगा, यू, यू के साथ क्या लगना है, आर, यू आर इंटेलिजेंट। वह भिखारी नहीं है, वह के लिए क्या यूज करना है हमने, ही के साथ इज लगेगा। यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो हम नेगेटिव का यूज करेंगे, नॉट, ही इज नॉट अ बेगर। क्या वह सुंदर है, इज शी ब्यूटीफुल, पीछे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। डू प्रैक्टिस यूज ऑफ इज एंड आर।